और दोस्तों आज मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आप देखते होंगे, तो जो भी ब्रांड आज हैं दोस्त, जो भी आज ब्रांड मार्केट में चलते हैं वो एक दिन का रिजल्ट नहीं होता है दोस्त। और कहीं ना कहीं वो लोग जो शुरुआत किए थे थोड़े से छोटे स्तर से शुरुआत किए थे, और एक काम उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ किया, वो है क्वालिटी। अगर क्वालिटी से समझौता अगर आप भी नहीं करेंगे तो कल के डेट में आप भी एक ब्रांड बनेंगे। और कुछ इसी तरह की जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्त, कि कैसे आप ब्रांड बन सकते हैं, एक कम पूंजी में भी आप अपने आप को मार्केट में कैसे स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज पैसे देने वाले की कमी नहीं है। अगर आप क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे तो जो मार्केट में 10 रुपए की वस्तु मिल रही है वो अगर बेहतर क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का अगर आप देते हैं तो 20 रुपया भी लोगों से आप वसूल कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी दोस्त आज की वीडियो में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और एक नई जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्त, तो बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपका परिचय मैं करवाता हूँ अनित भाई से, जो गुजरात के राजकोट ज़िले के रहने वाले हैं और 20 वर्षों से लघु उद्योग के मशीनों का निर्माण कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। स्वागत है सर हमारे YouTube चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत है सर। जहाँ आपकी कंपनी है, जिस जगह पर आपकी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है अनित पटेल और ये गुजरात में ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और इसे दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है। आज की वीडियो में जो जानकारी हमारे दर्शकों को आपके द्वारा मिलेगी वो कौन सी जानकारी मिलेगी, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। आज जो हमारा वीडियो हम बना रहे हैं वो आटा चक्की है, 5 HP से लेकर 20 HP में आटा कैसे ठंडा निकलता उसी से हमें हम मार्गदर्शन देंगे। अच्छा, जो ब्रांडेड कंपनियाँ जो आटा बेचती हैं तो क्या इसी तरह के मैकेनिज्म से वो भी आटा तैयार करती है क्या? हाँ, जो ब्रांडेड हुआ सब पैकिंग करके मार्केट में जो सेल होता है वो इस तरह से ही जो प्रोसेस होते हैं आगे बेचते हैं, तो वही मशीन जैसे यूज होता है वही हम बताएंगे। बस अंतर वही है कि वो लोग करोड़ रुपये लगाए हैं और आज जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बंधु भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ हज़ार में चंद हज़ार लगा करके भी उस तरह की कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ ठीक, छोटा छोटा प्लान से जो करना पड़ता है, बड़ा प्लान लगाना है तो वो भी हो जाएगा, पर लेकिन छोटा आदमी रहता है उसको भी बिजनेस करना है तो वो कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, तो इस हिसाब से हम छोटा प्लान दे के भी वो अपना गुजरान चला सकते हैं, इस हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, इस हिसाब से हम प्लान उसको सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ सर कि पल्वराइजर मशीन है, तो ये खास कैसे है और कैसे लोग इस मशीन के माध्यम से ब्रांड बन सकते हैं? ये हमारा ये 15 HP का मॉडल है, तो उसके जो अभी जो आटा है ना वो ठंडा कैसे निकलता है, जो एज इट इज न्यूमेटिक जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है ना उस हिसाब से जो हम होता है ना उसी हिसाब से हम ये जो एट होता है ना उसी हिसाब से हमने दूसरा एक कैबिनेट दे दिया है ना, इसको बोलते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। अच्छा, ये सिस्टम, इसमें न्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है पल्वराइजर मशीन में, ताकि जो भी इसमें से माल निकले, जो जैसे कि आप आटा का कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो इस मशीन के माध्यम से अगर शुरू करेंगे तो एक तो आटा जो निकलेगा वो ठंडा निकलेगा, जो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बरकरार रहेगी, उसमें बर्बाद नहीं होगा, यही ना, यही कहना चाहते हैं ना? हम यही कहना चाहते हैं कि जो आटा है जो एकदम कूल ठंडा निकलेगा और इसका जो वैल्यू है, जो इसका जो पोषक तत्व है वो रेजिस्टेड रहेगा उसमें। तो ये जो चैम्बर सर लगा हुआ है स्टेनलेस का, ये जो पूरा बॉडी है कितने ब्लेड का ये चैम्बर है और इसकी माप क्या है, इसकी साइज क्या है? आप इस कैमरे को इधर जूम कर सकते हैं, देखो ये 6 पार्ट का हमने कनेक्शन दिया है, वो आगे भी रिंग दिया है और पीछे भी रिंग दिया है। कैस क्या होता है, कस्टमर का यूज़ होता है तो इससे आपसे वो बोल रहा है कि हमारा वो बीटर है ना वो बेन हो जाता है, तो उसमें जो बैलेंसिंग रहता है तो अनबैलेंस हो जाता है, इससे आपसे आटा का थोड़ा शिकायत रहता है, इस हिसाब से हम कस्टमर के हिसाब से हमने आगे भी रिंग दिया है और पीछे भी रिंग दिया है और 6 पार्ट में बीटर बनाया है। कहीं कहीं देखते हैं सर कि 4 ब्लेड लगे हुए हैं और यहाँ पर 6 ब्लेड, तो 4 ब्लेड और 6 ब्लेड, अगर इसमें 4 ब्लेड लगते तो क्या होता और 6 ब्लेड लगे हुए हैं तो क्या होगा? ये इसमें पूरा 15 HP का मोटर लगा है, 15 हाई स्पीड का मोटर लगता है, तो इस हिसाब से क्या जो घूमता है RPM बढ़ जाते हैं, इस हिसाब से जो बीटर रहता है चौकड़ी उस पर वो शिकायत आती है कि 4 पार्ट में बीटर में, तो इसीलिए कस्टमर के हिसाब से हमने 6 पार्ट बीटर कर दिया जिसके तरह से वो है ना वो शिकायत कम हो जाती है। तो न्यूमेटिक वाली जो सिस्टम बनाए हैं आप साथ में दे रहे हैं, तो ये तो 15 HP वाली है, तो शुरुआत कितने HP से आपके यहाँ होती है? ए मॉडल में हमारा 5 HP से स्टार्ट होता है और 20 HP तक ये मॉडल में अवेलेबल है। 5 HP से 20 HP तक, अगर जिन बंधु के पास पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है, तो
तो वो 5 HP से भी इस तरह के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, 5 HP से बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो जो होता है ग्रोप, उसके बाद में 7.5, 10, 15, 20 की रिक्वायरमेंट रहेगी, उस हिसाब से हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्शन की बात करें अनित भाई, कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आपने बताया 5 HP, तो 5 HP की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 10 HP की कितनी है, 15 HP की कितनी है, 20 HP की कितनी है? 5 HP की आप अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 की जो 2 नंबर की जाली पे फ्रेश आटा निकाल देगा। अच्छा, 50 से 60 किलो। 50 से 60 किलो। अगर उसको जो धनिया चाहिए, अगर वो बड़ा आटा करना है, तो 80-90 किलो तक 5 HP में ही निकल जाएगा। भाई साहब, आप तो आटा की बात कर रहे थे, फिर बीच में आपने बोला कि धनिया आई है, तो ये मसाले की पिसाई कर सकती है क्या? मसाला में भी हल्दी वगैरह का भी प्लान करना है, तो सेम इसमें ये मसाला में मसाला भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे भाई बंधु अगर आटे का बिजनेस करना चाहते हैं तो भी इस मशीन के माध्यम से कर सकते हैं, या तो फिर अगर मसाले का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी इस मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। मसाला करना है, जड़ी बूटी करना है, केमिकल यूज करना है, ग्लास करना है, कोई शुगर करना है, शुगर वो रहता है महीन करना होता है, महीन करना रहता है ना, वो शुगर भी हो जाएगा, और बेसन का जो बेसन करना है तो वो भी इस मशीन में हो जाएगा। यानी कि मल्टीपर्पस इसका इस्तेमाल हमारे भाई बंधु कर सकते हैं। ये मल्टी यूज के लिए मशीन है, कोई भी आइटम आपको कस्टमर को चाहिए उसमें हो जाएगा। आपके कहने अनुसार अगर मसाले का बिजनेस करना चाहते हैं, या तो फिर सत्तू बेसन का बिजनेस करना चाहते हैं, आटे का बिजनेस करना चाहते हैं, तभी आयुर्वेदिक दवाई जैसे त्रिफला चूर्ण वगैरह का जो पीस करके बेचते हैं, पैकेट में डाल करके अपना ब्रांड बना करके, उस तरह का काम भी इस मशीन के माध्यम से हो सकता है। केवल आटा ही नहीं, ये मल्टीपर्पज मशीन भी बोल सकते हैं। इसमें आटा, बेसन, जुवार, बाजरा, मक्का, वो जड़ी बूटी हुआ, ये मेडिसिन की दवा हुई, केमिकल हुआ, सब प्रकार के वुडन हुआ, लकड़े का हुआ, सब सकेगा, चूरा इसमें हो सकेगा। कस्टमर का जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से ये मशीन आपको है ना कर देगी। अनित भाई, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि यहाँ पर जाली भी है, शायद 5 जालियाँ यहाँ पर है, तो इसका क्या काम है? कस्टमर को क्या रहता है, अभी छोटा है भाखरी, बाजरी, वो मकाई का चूरा रहता है, जो ये धानिया वगैरह करते हैं एनिमल के लिए, वो भी सब इसमें हो जाता है। इस हिसाब से हम 6 जारी इसमें मशीन के साथ, हम 5 यहाँ लगा हुआ है, नीचे दिखाने के लिए रखा हुआ है, और एक आपका ये मशीन के अंदर लगा हुआ है। 6 जारी रहेगा, एक मशीन में लगाया है, वो 5 जारी अभी नीचे है। अच्छा, तो नॉर्मल जो पर्वलाइजर मशीन मैं भी देखता हूँ, तो उसमें होता क्या कि यहाँ से कोई भी अनाज वगैरह या कुछ भी डाले और यहाँ से निकलता है, लेकिन इसमें जो सिस्टम है, यहाँ पाइप दिया हुआ है, पाइप के माध्यम से ये ऊपर जा रहा है और वहाँ से फिर यहाँ नीचे आकर माल निकलेगा। तो और साथ में देख रहा हूँ कि एक तो पर्वलाइजर मोटर लगा हुआ है 15 HP का, और ऊपर भी एक मोटर लगा हुआ है और एक नीचे भी मोटर लगा हुआ था, ये क्या माजरा है, इसके विषय में हमारे दोस्तों को बताइए। इसको हम न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि अभी इसमें मेन मोटर रहता है मशीन में, इसमें 15 HP का मोटर लगा है, फिर इसमें एक ब्लोअर लगाया है, ऊपर जो ब्लोअर लगा है उसमें एक मोटर अटैच रहता है, ब्लोअर में आटा घूमता हुआ साइक्लोन के थ्रू एयर लॉक में आएगा, तो ये एयर लॉक के पीछे भी एक गियर बॉक्स है और इसके पीछे भी एक मोटर लगाया हुआ है। इसमें भी गियर बॉक्स दिए हुए हैं? एक क्या आटा कम करने के लिए इसमें गियर बॉक्स दिया है और इसके पीछे एक मोटर दिया है घुमाने के लिए। अच्छा, तब जाकर फाइनल यहाँ पर प्रोडक्ट निकलेगा। में एकदम जो आटा इधर निकलेगा ना, तो एकदम ठंडा आटा निकलेगा, क्वालिटी वाला निकलेगा। और आपको अभी मैं हमको डेमो भी आपको करके दिखाऊंगा, डेमो भी करके दिखाएंगे आपको, ताकि आप लोग भी समझ पाए कि वाकई ये अनित भाई ने बताया है, ये अपने दावे पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, तो वो भी आप देखेंगे वीडियो में, तो बने रहिएगा। इसके अलावा कुछ और सवाल है सर, जो हमारे दर्शक भी सुनना पसंद करेंगे। तो आपने शुरुआत किया था कि 5 HP से, तो 5 HP की कीमत हमारे दर्शकों के लिए क्या रहने वाली है, 10 HP की क्या रहने वाली है, और 15 HP की क्या रहने वाली है, और 20 HP की क्या रहने वाली है? पूरा ये मशीन केवल मशीन चाहिए तो भी 5 HP का मिल जाएगा, मशीन रहता है 55,000। अगर इसको साथ मशीन नहीं चाहिए और केवल मशीन चाहिए तो 55,000 प्लस GST रहेगा, और ये पूरा न्यूमेटिकल सिस्टम चाहिए तो ये न्यूमेटिकल सिस्टम इसके साथ 1,15,000 प्लस GST में उसको मिल जाएगा। 5 HP वाला? 5 HP में 55,000 प्लस 1,15,000 में न्यूमेटिकल सिस्टम। तो इसमें आपको 7.5 HP में भी चाहिए तो 7.5 HP में 75,000 मशीन का है और 1,15,000 का सिस्टम रहता है। 1,15,000 का अलग से सिस्टम है? ये पूरा सिस्टम है 1,15,000 का। 10 HP वाला में सर? 10 HP वाला में ये 95,000 का मशीन है और 1,15,000 का ये मशीन है और 2,10,000 में प्लस GST में मशीन 10 HP में निकल जाएगा। 15 HP वाला सर? 15 HP में पूरा पड़ेगा 2,60,000 में। 2,60,000 प्लस GST। अगर यहाँ से
शुरुआत कोई व्यक्ति 5 HPC करे, वहाँ से अगर तरक्की उनको उसको लगा या ये लगा कि भाई इस बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है तो 10 HPC, उसका तो 15 HPC, उसका तो 20 HPC, उसके बाद भी क्या आपके पास सिस्टम है? हाँ, हमारे पास बड़ा प्लान काफ़ी है। अब अगर कस्टमर को चाहिए 200 किलो, 500 किलो, 1 टन, 1000 किलो, 2000 किलो, तो उस हिसाब से हम पूरा प्लान फुली ऑटोमेटिक सेटअप कर देंगे। मेन आ जाता है सर कि सर्विस, तो आप तो मैन्युफैक्चरर हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो कुछ ना कुछ कीमत जो लोग डीलर हैं उससे तो कम ही रहेगा आपका। सर्विस किस तरह से आप हमारे दर्शकों को देंगे? सर्विस का क्या रहता है, पूरा मशीन हमें सर्विस फ्री बनाया है, फिर भी कोई सर्विस का रह जाता है। देखा तरीके एग्जाम्पल तरीके झाड़ी टूट गया तो झाड़ी का हम क्या उसको बताते कितना नंबर का झाड़ी है, और झाड़ी बाइक कुरियर हम उसको एड्रेस पे भेज देते हैं, उसको घर पे ही उसको झाड़ी मिल जाएगा विद इन 2 दिन में। कब तक मिलेगा सर? विद इन 2 से 3 दिन में बाय एयर से झाड़ी जाएगा, उसके घर पे कुरियर मिल जाएगा। अगर कोई मोटर का कंप्लेन आ गया, अगर कोई मीटर का कंप्लेन आ गया तो हम भी जो कुरियर से कॉम्प्टन का मोटर लगा है तो कॉम्प्टन का जो सर्विस नजदीक में रहता है तो वहाँ से आपको सर्विस ले सकते हैं। तो कितने दिन तक ये सर्विस मिलेगी सर फ्री में? आपको जैसे रहेगी कि कस्टमर का रहेगा कि हमारा ये प्रॉब्लम हो गया है तो विद इन हम उसको सर्विस उसको ट्रांसफर कर देंगे और विद इन 2 या 3 दिन में उसको सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। वो बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ सर कि ठीक है इसमें कुछ परेशानी आ जाए तो कितने दिन तक इसकी वारंटी आप लेंगे? ये 1 साल में, 1 साल तक उसकी मोटर की गारंटी रहती है, वो जो स्पेयर पार्ट रहता है वो मेजर पेयर पर रहता है, उसका 1 साल में वारंटी रहता है। अगर चैम्बर खराब हो जाए या तो फिर उसका पत्ती टूट जाए तो ऐसी स्थिति में भी वो आप उसको चेंज कर सकते हैं? एक साल का वारंटी में आएगा तो हम इंटरचेंज कर देंगे उसको। जो मशीनें हैं वो परचेस करने का क्या तरीका है? हमारा हर इंडिया में, पूरे इंडिया में हमारा सेल होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन से लेना चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन पर ले सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इंटरेस्ट है कि नहीं चलिए इस तरह के मशीनें से अपना बिजनेस की शुरुआत करें तो जिस तरह से चाहे वो मशीन आपसे परचेस कर सकते हैं? जिस तरह से कस्टमर को चाहिए, वो चाहिए हमारे डीलर से लेना है, वो बोले हमारा सर्विस इधर चाहिए तो हम डीलर से उसका कांटेक्ट करा देंगे और डीलर से वो इधर वहाँ एजिटेड उसका एरिया में से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन जानकारी मिली आपके द्वारा हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों सर ने बेहतर तरीके से आपको बताया कि किस तरह की मशीनों का ये निर्माण करते हैं और इन मशीनों के माध्यम से वाकई दोस्त आप ब्रांड बन सकते हैं। शुरुआत मैं नहीं कहता हूं कि 15 HP या 20 HP से करें, अगर आपके पास पैसे का अभाव है, कम पैसे में शुरू करना चाहते हैं तो 5 HP से शुरू करें, वहां से आपको लगे कि, और साथ में ही अपने क्वालिटी से कभी समझौता ना करें। क्वालिटी से अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो खरीदने वाले की कोई कमी नहीं है दोस्त, थोड़ा सा समय लगेगा आपको ज़रूर, लेकिन जो कामयाबी मिलेगी ना वो लंबे समय के लिए मिलेगी और निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह से लोग आज ब्रांड बने हैं जो आप देख रहे होंगे मार्केट में, तो एक दिन में नहीं बनते हैं, उसके पीछे यही सब कहानी होती है। तो आप भी अगर क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, सही तरीके से ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देंगे तो आप भी ब्रांड बन सकते हैं। और मशीनों के बारे में, इनकी कीमत के बारे में सर ने बताया ही, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस तरह का मशीनों को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर सर का नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां का कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ रहेगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन आप मोबाइल पर संपर्क करें या तो फिर यहां पर आ करके विजिट करके मशीनों को देख करके परख करके खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में यहां का एड्रेस दिया हुआ है, आप आकर संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो इस तरह